तो इस वीडियो में हम जानेंगे पीओडीटी प्रॉब्लम ऑफ द डे के सॉल्व करने के बेनिफिट्स जो हम जीएफजी पे करते हैं। एक तो पहला बेनिफिट क्या है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है इससे क्या होगा, बेहतर होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है जो हो सकता है आपको पता हो पहले से और नहीं भी पता हो सकता है। तो क्या करोगे अगर वो प्रॉब्लम डेली बेसिस पे आप सॉल्व करते हैं तो उन प्रॉब्लम से जो नई कॉन्सेप्ट होगा उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी ऑनलाइन असेसमेंट या फिर कोडिंग राउंड में, और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने कभी सॉल्व करा हो तो वो रिपीट कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स है, मेन बेनिफिट जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करने से मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम इसमें रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। हम अगर डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 1 से 1.5 महीने जीएफजी प्लेटफॉर्म पे, तो वो कुछ हमें कॉइन देते हैं जिसके बेसिस पे हम रिवॉर्ड जीतते हैं। इस वीडियो में दोनों जानेंगे कैसे सॉल्व करना है पीओडीटी एंड कैसे उस रिवॉर्ड को क्लेम करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे जीएफजी प्रैक्टिस, फिर जो पहला लिंक आएगा यानी gfg.geeks practice.geeks.posix, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो जीएफजी का है प्रॉब्लम ऑफ द डे, इस पर जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है बेस ऑन देयर टैग्स। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा कोर्स सेक्शन है, फिर गेट हायर, और ये है पीओडीटी प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि जो 22 अक्टूबर है आज, तो उस दिन का प्रॉब्लम क्या है, जैसे फिल द बकेट, इस सॉल्व पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस सेक्शन में आप कोड लिख सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये 3 में। उसके बाद इस कोड को रन कर सकते हो और फिर जब इसको सबमिट कर दोगे, जैसे ही करेक्ट आ जाएगा ये सक्सेसफुली, इसका मतलब कि आज का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। जब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे नीचे आओगे तो ये होता है पीओडीटी डैशबोर्ड। तो जब इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये क्या बताएगा बेसिकली कि हमने कब से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा स्ट्राइक कितना है, कि मैक्सिमम कितने दिन से हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 52 डेज से मैं लगातार इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ये कॉइन की मैं बात कर रहा था, इस कॉइन को मैं रिडीम कर सकता हूँ कुछ एक्साइटेड प्राइस के लिए, वो अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसे कैसे इस कॉइन को हम प्राप्त कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ तो एक कॉइन मुझे रोज़ मिलेगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता रहूँगा पर डे पे एक कॉइन मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, एक और चीज़ होता है कि अगर मैं देखो जैसे 1 तारीख से मैं स्टार्ट होकर 8 तारीख तक यानी लगातार 8 दिन सॉल्व करता प्रॉब्लम, तो एक एक कॉइन तो मुझे मिला ही 8 दिन का, प्लस 8 एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है कंटिन्यू 8 डे सॉल्व करने पे, यानी 16 यानी 16 कॉइन मेरे पास हो गए। ऐसे ही करते करते अगर आप 40 से 50 डे लगातार सॉल्व करते हो तो ये 100 प्लस हो जाएगा, और जब 100 प्लस हो जाता है तो कोई ना कोई प्राइस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उसे देखो, रिडम रिवॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि आपने क्या अभी तक ऑर्डर किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, ये अर्निंग हिस्ट्री आ जाएगी कैसे कैसे। देखो ये मैंने पीओडीटी सॉल्व किया था 22 तारीख को, तो उसका एक बिट कॉइन्स मिला, जो कॉइन मैं दिखा रहा हूँ ना ये 125। अब ये स्ट्राइक देखो, ये देखो 8 दिन जैसे ही कंप्लीट तो एक्स्ट्रा बोनस मिला मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही ये कॉइन मिलता है। तो यहाँ पे देखो व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो ये रिवॉर्ड्स हम ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं। अगर हमारे पास 100 गिग्स और बिग गिग्स कॉइन है, कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है, 500 का डिस्काउंट अगर 50 गिग्स है। ये सिर्फ कोर्स पे मिलेगा, जो जीएफजी का कोर्स होता है, जैसे डीएससी हो गया या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के कोर्सेज है, ये हो गया, ये एक्साइटिंग प्राइजेस, ये सारे जो रिवॉर्ड्स है वो हम क्या कर सकते हैं, रिडम कर सकते हैं बेस ऑन द, यहाँ पे लिखा हो कितने कॉइन का रिक्वायरमेंट है। अभी मेरे पास कितने 125, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ये टी शर्ट कैसे रिडम करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, रिडीम गिग्स बिट्स, इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, एक पेज ओपन होगा जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपका एड्रेस मांगेगा, एड्रेस डिटेल क्या है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस पे क्रॉस नहीं लगा हुआ मतलब उनमें से मैं कोई एक कर सकता हूँ, जैसे मैं कूपन ले सकता हूँ क्योंकि मेरे 125 है तो 50 वाला ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता क्योंकि 200 कॉइन चाहिए इसके लिए। तो मैं यहाँ पे नीचे आया, ये मुझे टी शर्ट ऑर्डर करना, मैंने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट करते यहाँ पे आ जाएगा डिज़ाइन एंड कलर टी शर्ट सारी। फिर यहाँ पे डिटेल्स डालने, पहले फुल नेम से डालना है अपना, उसके बाद कंट्री का जो कोड होगा, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उससे पहले क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आज मैं ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ कितने दिन आएगा, तो फिर मैं पूरा वीडियो एक अपलोड कर दूँगा। तो प्लेस ऑर्डर मैंने किया, तो इसने कहा कि डिटेल एक बार चेक कर लो, तो एक बार चेक कर लेते भाई 96, ठीक है, तो यस कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे एक इमेज आ रहा है, देखो यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिडीम अ टी शर्ट फॉर द हार्ड अर्न गिग्स, कीप सॉल्विंग गिग्स फॉर गिग्स। तो ये एक आपके लिए एक तरह से कह सकते मोटिवेशन है कि जब ये टी शर्ट पहनोगे तो खुद ही लगेगा कि या कि कुछ किया है, और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर करना। अभी अब देखते हैं कितने दिन में ये ऑर्डर आता है, फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, पूरी वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं।